प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए करीब 19,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वाराणसी नई दिल्ली रूट पर एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। भगवा रंग की दूसरी नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत ट्रेन ई सारी नई खासियत से लैस है। वाराणसी में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पूरे देश को इस बात की गारंटी दी है कि वो अपनी तीसरी पारी में देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाएंगे। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास है कि भारत सरकार ने गरीब कल्याण की, जन कल्याण की जो भी योजनाएं बनाई है उनसे कोई भी लाभार्थी वंचित ना रहे। इसलिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी एकदम सुपरहिट हो गई है। जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है उन्हें ये विश्वास हुआ है कि उनका जीवन अब और बेहतर होगा। ये गारंटी अगर मैं देश को दे रहा हूं तो इसका कारण आप सभी है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से देश को आश्वासित किया और कहा, किसान, महिला, युवा और गरीब वंचित ही उनके लिए चार जातियां हैं। इन चारों जातियों के शत प्रतिशत कल्याण से ही भारत विकसित राष्ट्र बन सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह, अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र दयालु सहित अन्य गणमान्य और भारी संख्या में काशी की जनता मौजूद रही। अच्छा, शुरुआत में हमें एक थे शिकायत है काशी के लोगों से। कहीं हम आपन शिकायत, कहीं हम आपन शिकायत। ये साल हम देव दीपावली पर यहां ना रहला और ऐदा पारी देव दीपावली पर काशी के लोग सब मिलकर रिकॉर्ड तोड़ देलन। आप सब सोच रहे होंगे कि जब सब अच्छा हुआ तो मैं शिकायत क्यों कर रहा हूं। मैं शिकायत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दो साल पहले जब मैं देव दीपावली पर यहां आया था तो आपने उस समय के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया।